जगतसिंहपुर जिला एरसमा ब्लॉक मकरध्वज शिल्प तामिल केन्द्र परिसर में साहित्य आसर अनुष्ठित हो जाएछि। साहित्य आसर आईना संपादक क्षेत्रवासी साहू को अध्यक्षतारे अनुष्ठित होइतला। मुख्य अतिथि पूर्वतन ओडिशा साहित्य एकेडमी रो सभापति डॉक्टर हुसैन रवि गांधी जोगदे साहित्य आसर को उद्घाटन करथिले। जे युव गल्पिक युव लेखक माने युव कवि माने निज माटी और मार कथा कहतु ये अंचल आम सब कथा सरकार को उपरे बा सब कथा प्रशासन उपरे छाड़बानी आम लेखक माने मध्य पृथ्वी इतिहास देखु लेखक माने पृथ्वीर इतिहास रे अनेक क्रांति अनेक विप्लव अनेक परिवर्तन वार्तावह साजिंट महात्मा गांधी को नरसिंह मेहटा कविता भजन वैष्णव जन तो तेन कही इत्यादि पर प्रभावित कर। मुख्य वक्ता नाइजर कुल सचिव डॉक्टर अभय कुमार नायक ओडिशा साहित्य एकेडमी पुरस्कार प्राप्त कवि पीतांबर तराई नाट्यकार रघुनाथ स्वाई मकरध्वज पब्लिक स्कूल चेयरमैन रवींद्र स्वाई प्रमुख जोग दे साहित्य कवि एवं लेखक मानक लेखनी चलना उपरे विशेष वक्तव्य रखिथिले। दीप्ति खंडवाल लेखा आमर परवर्ती पीढ़ी की प्रभावित करू निजर माटी कथा लेखंतु आउ एरसमा गोटे चीर दुखिनी अंचल जेकि महाबात्या समय हजार हजार निजर पुओ झी को हरई से सब स्मृति एवं भी ताजा रही आपण मान हृदय ओडिशावासी हृदय चमत्कार भाव सुंदर भाव से देखते गल्प बहीटी उन्मोचित है आज से गोटे गल्पे से देखते किटा किंतु आहुरी अधिक भाव में दियंतु माटीर कथा कहतु मार कथा कहतु इसकी कामना करूँ से निश्चय सफल हे कहार भंगी लिखार भंगी अनन्य शैली बड़ चमत्कार शैली। साहित्य आसरे युवकवि दीप्ति खंडवाल तथापि भावुची गल्प पुस्तक को अतिथि मैंने उन्मोचित करते रंजन खंडवाला जो गल्प पुस्तक ये पुस्तक गोटे सुंदर समाज सहित जोड़ी एवं पुस्तक को बाद दे गोटे सुंदर समाज परिकल्पना करा जाई परबो नाही आमर भाषा साहित्य संस्कृति एवं आम माटी समग्र भारत बर्षर एक स्वतंत्र स्थान रही कहीं आम भाषा शास्त्रीय मान्यता पाई। आसर कवि महेश्वर स्वाई कैलाश प्रधान जजाति केशर सामल सहित बहु कवि जोगदे कविता पाठ करते। जगत सिंहपुर मनोज कुमार साहू रिपोर्ट न्यूज 11 ओडिशा।